Good morning, students. Welcome to the online class of Standard 5. Now, today we are going to learn the sixth lesson of grammar, the use of verbs in the tenses. Tense में verb का use कहाँ पर करना, कैसे करना? We have three main tenses. They are the present tense, the past tense, and the future tense. आपने पास तीन main tense है, एक present tense यानी वर्तमान काल, past tense यानी भूतकाल, and the future tense यानी भविष्य काल. देखो अभी इसमें क्या है? Each tense has four different forms. हर एक tense के क्या होते हैं? Four sub types है. उसकी क्या है? Four sub types है. देखो पहला कौन सा है? Simple tense. दूसरा continuous. तीसरा perfect and चौथा perfect continuous. देखो अभी क्या है यहाँ पर दिया वाला है? Thus we have 12 tense in English. They are present. देखो present tense के कौन से? Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. देन पास्ट का क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हुए पास्ट टेंस के. और फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी इसके चार प्रकार, इसके चार प्रकार और इसके चार प्रकार, कौन मिलाकर कितने हुए? 12 प्रकार. लर्न द फॉलोइंग टेबल फॉर द वर्ब्स फ्रॉम द डिफरेंट टेंसेस. देखो अभी इसकी क्या दिए वाली? स्ट्रक्चर दिए वाली. क्या दिए वाले? स्ट्रक्चर दिए वाले. कौन से इसका कैसा स्ट्रक्चर है, कौन से इसका कौन सा फॉर्मूला है, कैसे सेंटेंस पहचानना. देखो पहले हम लर्न करेंगे प्रेजेंट टेंस का. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? फी वन प्लस यस ऑब्लिक यस. फी वन यानी वर्ब का पहला रूप. फी वन यानी क्या होता है? वर्ब का पहला रूप, क्रियापद का पहला रूप. उसको क्या लगेगा? यस या ईएस. दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उसमें क्या आएगा? एम इज आर. इन तीनों में से, मतलब ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है, इन तीनों में से एक आएगा, फिर वी वन आएगा और आई एन जाएगा. आई एन जी क्यों आएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस है, मतलब एक्शन क्या है? चालू है. देन प्रेजेंट परफेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थ्री. क्या आएगा इसमें? एम इज आर की जगह हैव एज आएगा और वर्ब का तीसरा रूप आएगा. देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आएगा? हैव ऑब्लिक हैज, इन दोनों में से एक आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वी वन को आई एन जी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए हैव एज प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी. ये किसका हुआ? सब प्रेजेंट टेंस का. वैसे ही पास्ट टेंस का. पास्ट टेंस में वी वन की जगह क्या आएगा? वी टू आएगा. एम इज आर की जगह क्या आएगा? वाज वेयर आएगा. हैव एज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा. और इधर भी हैव एज की जगह हैड आएगा प्लस बीन वैसे का वैसा. फ्यूचर में भी वैसे से, क्योंकि हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि टू बी के रूप कौन से? एम इज आर कहाँ पर यूज करते? प्रेजेंट टेंस में यूज करते. वाज वेयर कहाँ पर यूज करते? पास्ट टेंस में यूज करते. और विल शैल कहाँ पर यूज करते? फ्यूचर टेंस में यूज करते. देखो यहाँ पर क्या हुआ? वी वन वी टू, फिर से यहाँ पर क्या आएगा? फ्यूचर में वी वन, मगर वी वन के पहले क्या आएगा? शैल या विल. यहाँ पर भी वैसा शैल विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी. खाली यहाँ पर क्या है? बी थोड़ा एडिशनल है, बी लगेगा यहाँ पर. यहाँ पर भी शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री. शैल या विल आएगा दोनों में से एक, उसके बाद क्या आएगा? हैव आएगा, उसके बाद वी थ्री आएगा. यहाँ पर भी ऐसा चाहिए, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन. बीन कॉमन ही है, वी वन प्लस आई एन जी. ये सब क्या हुए? स्ट्रक्चर हुए उसके. ये सब क्या हुए? उसके स्ट्रक्चर हुए, फॉर्मूले हुए. ये तुमको सब लिखना है अच्छे से और लर्न भी करना है, मतलब ध्यान में भी रखना है. ठीक है, ये हुआ यहाँ तक का. अभी देखो क्या है. द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन और सम जनरल ट्रूथ एज ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. वो हर एक मॉर्निंग को क्या होता है? वॉक के लिए निकलता है. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं हर दिन कितने बजे उठता हूँ? सुबह 5 बजे. माई वॉच किप्स गुड टाइम. देन द सन राइजेस इन द ईस्ट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये सब किसके है? प्रेजेंट सिंपल के है. अभी एक्सरसाइज में देखो क्या दिया वाला है तुमको. रिराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब्स इन ब्रैकेट. वाटर फ्रीज. यहाँ पर क्या आएगा? वाटर फ्रीजेस एट 0°C. वाटर क्या होता है? फ्रीजेस होता है. कहाँ? कब फ्रीजेस होता है? 0°C पे. अ ब्रेव मैन नॉट लूज हार्ट. ये तुमको क्या करना है? करना है यहाँ के जो सेंटेंस है ये तुमको क्या करनी है? बनाने, ब्रैकेट में बराबर से बनाने. देन कंप्लीट दिस क्वेश्चन एनी वे यू लाइक. डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? तुमको चाय बनाना पसंद है क्या? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? और व्हाट यू, व्हाट डू यू डू? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तुमको क्या करने? क्वेश्चन बनाने हैं.
देन द सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बोले पहले बोला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फी वन प्लस आई एन जी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, ही इज राइटिंग अ लेटर. ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. देखो सम वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, दे कैन बी यूज इन द सिंपल प्रेजेंट, दे इंक्लूड फील हियर सी, ये सब क्या है, वर्ब है, ये सब क्या है, वर्ब है. अब एक्सरसाइज में देखो क्या है, शी रिजेंबल हर मदर, शी रिजेंबल हर मदर, मतलब शी इज रिजेंबलिंग हर मदर. तुमको क्या करना है, यूज द प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म इन द गिवन टेंस. यहाँ पर तुमको प्रेजेंट सिंपल कब बनाना है या कंटिन्यूअस बनाना है, क्या आएगा, शी रिजेंबल्स, यस लगेगा उसको, हर मदर. रन फास्ट द ट्रेन इज विसलिंग, रन फास्ट द ट्रेन इज विसलिंग, मतलब ट्रेन क्या कर रही है, विसलिंग कर रही है, वो सिटी बजा रही है ऐसी. वर्क विद योर पार्टनर, फ्रेम क्वेश्चन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ब्रिंगिंग द डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड, ऑल्सो गिव देयर ट्रू आंसर. ये भी तुमको क्या करना है, देखो पहला क्या क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज रुचि डूइंग, व्हाट इज रुचि डूइंग, शी इज प्लकिंग फ्लावर्स, वो क्या कर रही है, फ्लावर्स प्लक कर रही है, मतलब फ्लावर्स को तोड़ रही है. देन द नेक्स्ट वन द प्रेजेंट परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, रानी हैज जस्ट गॉन आउट, रानी हैज, मैंने क्या बोला था, हैव हैज, दोनों में से एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तीसरा रूप आएगा वी थ्री गॉन पैसा. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन नॉट बी यूज विद एक्सप्रेशन डिनोटिंग पास्ट टाइम. देखो वही कांड से ही हैज कम यस्टरडे, वैसा हम बोलने नहीं बोल सकते, ही हैज रीच्ड होम लास्ट नाइट, ऐसा भी नहीं बोल सकते हमको, क्या कैसा बोलना पड़ेगा, ही केम यस्टरडे, वो कल आया था, ही रीच्ड होम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को घर पर पहुंचा है. यहाँ पर देखो क्या करना है तुमको, प्रेजेंट परफेक्ट और द पास्ट पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. हियर इज योर वर्ब बुक, आई करेक्ट इट, इसका क्या आएगा, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, इंडिया बिकेम, बिकम का क्या आएगा, बिकेम आएगा, ऐसे ही करने हैं. देन आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन बिगिनिंग विद हैव यू एवर गॉन टू चेन्नई, क्या तुम कभी चेन्नई को गए थे, हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, क्या तुमने कभी गोल्फ खेला है, ऐसे. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ये यहां पर कितने दिए वाली है, ये तीन पार्ट दिए वाली प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट दिए वाले है, तीन पार्ट. उसके बाद है पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.